बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने हैं। अब इसके मद्देनजर बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम मुद्दा हो गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष अपने तरफ से सवाल उठाता है, पर सरकार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकार के पास अब भी कोई रोड मैप नहीं है। पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बेरोजगारी को लेकर के किस प्रकार से सरकार पर नेता प्रतिपक्ष हमलावर रहे और कैसे उन्होंने वादे किए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जनता से कि सरकार बनने के साथ ही कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सुनिए पहले आप। मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदे थी और जो आवश्यकता था जो मानकों से उसको मिला करके और जितनी ज़रूरत पदे हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी अहम महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है, जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरियों के बारे में हमने जिक्र किया है। तो विपक्ष के इस इरादे के साथ जनता कितनी देगी वो तो देखने वाला बात है, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी का मुद्दा बिहार के लिए अब एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव इसी मुद्दे के इर्द गिर्द अब होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे के जरिए सरकार पर हमलावर रहेगी और विपक्ष सरकार पर हमलावर होने के साथ साथ जनता के बीच जाकर के बेरोजगारी में हो रही उत्पन्न जो समस्याएं हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार के पास अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। तभी तो अब तक जनता के बीच भी जवाब नहीं आया है, ना ही नेता प्रतिपक्ष के किसी भी बेरोजगारी वाले सवाल पर सरकार अपनी तरफ से कुछ भी साफ कर पाई है। देखने वाली बात है कि विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना भुना पाता है और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें लाइव बिहार पर। नमस्कार।